हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आप सभी का स्वागत है हमारी टेक न्यूज एपिसोड 27 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक न्यूज के बारे में बात करें तो ZTE की तरफ से आ रही है। ZTE ने अपना एक नया एंड्रॉयड डिवाइस जो है लॉन्च किया है इंडिया में, जिसका नाम है ZTE ब्लेड A2 प्लस इसका नाम है। और बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। आपको इसमें MediaTek का MT6750 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, 4GB की रैम है और इसमें आपको 32GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, 13MP का रियर फेसिंग कैमरा और 8MP का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। और जो इसकी मेन USP है वो इसकी बैटरी, क्योंकि इसमें आपको 5000mAh की बैटरी लाइफ मिलती है तो बैटरी बैकअप इसका बहुत अच्छा होगा। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी जो कीमत रखी गई है वो 12,000 रुपए रखी गई है, लेकिन मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करूं तो इस फोन से अच्छा आप Redmi Note 4 खरीद सकते हैं, वो भी आपको 12,000 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आपको और भी कम बजट में खरीदना तो आप Lenovo K6 Power भी खरीद सकते हैं। और एटलीस्ट अगर ये 12,000 रुपए में आपको ये फोन दे तो इसमें कम से कम स्नैपड्रैगन 625 तो दे ही सकते थे, MediaTek MT6750 देने की क्या जरूरत थी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी टेक न्यूज के बारे में बात करें तो Xiaomi की तरफ से आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Xiaomi ने पिछले साल Mi 5 को लॉन्च किया था, लेकिन इसका कोई छोटा वेरिएंट लॉन्च नहीं हुआ था। अब बताया जा रहा है कि Mi 5 का एक छोटा भाई लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, छोटा भाई कहूंगा मैं इसको। उसका नाम होने वाला है Mi 5C करके। उसकी कुछ लाइव इमेजेस भी जो है सामने आई है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको 3GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी और इसमें आपको 12MP का रियर फेसिंग कैमरा होगा और 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा और 3200mAh की बैटरी दी जाएगी और इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 625 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि Redmi Note 4 से कंपटीशन ले, क्योंकि दोनों में सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक लॉन्च होगा। तीसरी टेक न्यूज के बारे में बात करें तो वो LG की तरफ से आ रही है। LG का जो अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस है LG G6, उसकी कुछ लाइव इमेजेस जो है सामने आई है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि 5.7 इंच की क्वाड HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, आपको नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलेगी और इसमें आपको डुअल सिम सपोर्ट देखने को मिल सकता है और ये MWC 2017 में लॉन्च होगा, ऐसा कुछ लीक्स आ रहे हैं। और ये पहला जो LG G5 था वो एक मॉड्यूलर स्मार्टफोन था, पहला मॉड्यूलर स्मार्टफोन था, लेकिन LG G6 जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वो एक नॉर्मल स्मार्टफोन होने वाला है। और उसमें बताया जा रहा है कि आपको Qualcomm Snapdragon 821 देखने को मिलेगा, तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन अभी मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर होगा या कुछ भी, तो जैसे लॉन्च होगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। चौथी टेक न्यूज के बारे में बात करें तो वो एक वेबसाइट की तरफ से आ रही, जो कि हरियाणा में एक वेबसाइट थी जो कि बहुत बड़ा स्पैम किया, 3,700 करोड़ रुपए का स्पैम किया है। ये वेबसाइट आपको कहती थी कि इनकी कुछ स्कीम्स है, जैसे कि 5,000 रुपए से लेके 52,000 रुपीज तक की इनकी स्कीम्स जाती थी। उन लोग कहते थे कि अगर आप इतना पैसा दीजिए और आपको ये जो लोग कुछ लिंक भेजते थे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एड शो होंगी और उस एड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ उस वेबसाइट का कहना था। लेकिन अब उस वेबसाइट का जो CEO है उनको पकड़ लिया गया है और वो अभी फिलहाल जेल में बैठे हैं। और इसमें इसके जो CEO है उनके पास से 3,700 करोड़ रुपए बरामद किए और 7 लाख लोगों को इन्होंने जो है ठगा है और काफी ज्यादा पैसे भी कमा लिए। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो भी वेबसाइट होगी प्लीज आप उन्हें पैसे से अपने मत दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर वेबसाइट जो ऐसा लूट के भाग जाती है। तो बस आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसी वेबसाइट के जाल में नहीं फंसेंगे। पांचवी टेक न्यूज के बारे में बात करें तो वह एलिफोन्स की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल एलिफोन S7 लॉन्च हुआ था और वो काफी हद तक सैमसंग गैलेक्सी S7 के डिजाइन के जैसा था, आपको डुअल कर्व एजेस देखने को मिलते थे और पूरा का पूरा गैलेक्सी S7 से कॉपी किया हुआ डिजाइन था। अब बताया जा रहा है कि एलिफोन S8 की कुछ लीक्स आए हैं, कुछ इमेजेस सामने आई है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और मुझे लगता है कि Xiaomi Mi Mix का पूरी तरह से कॉपी किया है डिजाइन, आपको बिल्कुल बेजल लेस डिजाइन देखने को मिलता है और जो एलिफोन्स की जो कीमत होती है काफी कम होती है और डिजाइन जो है बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलता है, फीचर्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई, सिर्फ ये एक इमेज सामने आई है और बिल्कुल सेम टू सेम Xiaomi Mi Mix के तरह देखने को मिलता है हमें, बेजल लेस डिजाइन है और डिजाइन जो है काफी बढ़िया दिख रहा है। अब हम फाइनल टेक न्यूज के बारे में बात करें तो Samsung Galaxy S8 के बारे में आ रही है कि उसकी कुछ प्राइस जो है लीक होकर आई है। बताया जा रहा है कि उसका जो बेस वेरिएंट होगा उसकी जो प्राइस रखी जाएगी शायद से 59,000 रुपीज इसकी प्राइस हो सकती है और जिसका हायर वेरिएंट होगा वो 63,000 रुपीज का हो सकता है।
और बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S8 में आपको 6GB की रैम देखने को मिल सकती है। तो काफी अच्छी बात है कि 6GB की रैम देखने को मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, और अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलेगा, जो कि आपको लाल कलर का एक बटन मिलेगा इस वीडियो के नीचे, उस बटन को आप दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।